अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज के व्लॉग बनाने का मकसद है, यह बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था, तो इस वजह से ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने शॉप पर, मेन सवाबी जहांगीरा रोड, शाह कारपेट तोड़ेर। ये हमारी शॉप है कारपेट का। तो आज जो है हमारे पास माल आया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त कारपेट अंडरले, और कारपेट अंडरले का मकसद और इसकी जो है यूज़ जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैराइटियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के गेज, वो सारा कुछ, यानी कि मैं आपको ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, और अगर नहीं है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। आप देख सकते हैं हमारा जो है आज यहाँ पे माल आया हुआ है अंडरले, कारपेट अंडरले। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये कारपेट अंडरले यहाँ पे ये किस तरह यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो लेट्स सी आपको दिखाते हैं ओवरव्यू। तो जनाब ये देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हूँ मैं शाह कारपेट एंड फोम सेंटर होल सेल डीलर तोड़ेर डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में। ये हमारे शॉप है मेन रोड के ऊपर ही, आप देख सकते हैं ये मेन स्वाबी जहांगीरा रोड। यहाँ पे हमारे पास हर किस्म के कारपेट और फोम और ये कारपेट अंडरले वगैरह यहाँ पे हमारे पास मिलता है। तो इसमें आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप को मैं ये कारपेट अंडरले की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसमें बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन मैं आज आपको जो है पूरा इसकी जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ गेज के ये कारपेट अंडरले होते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये 8 mm गेज इसको बोला जाता है, इसका ये गेज है। और इसके अलावा ये हमारे पास होता है 6 mm गेज। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ये 5 mm का ये गेज है, और उसके बाद ये 6 mm, और उसके बाद ये 8 mm का ये गेज है, और इसके अलावा 10 mm, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये 10 mm का गेज है, और इसके अलावा जो है 11 mm, ये 11 mm का गेज है, और फिर जो है इसके बाद ये 12 mm मेरे। तो ये देखें जी, तो ये मुख्तलिफ़ गेज के ये कारपेट अंडरले होते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आज जो है मैंने मंगवाया है, इससे पहले भी कई दफ़ा हमने इससे जो है मजलिस बना चुके हैं। ये मजलिस में यूज़ होता है। इसका पूरा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो है वो मैं बता देता हूँ। इसमें भी मुख्तलिफ़ गेज मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। ये 2 शीटें अभी हमारे पास, ये 2 साइज़ अवेलेबल हैं, ये एक 3 इंच का और ये जो है 2 इंच में। ये मजलिस में यानी यूज़ होता है इसको, ये अनकवर्ड ये आते हैं। तो इसके अलावा जो है आपके डिमांड के मुताबिक हर किस्म के कपड़ा इसके ऊपर हम चढ़ा के जो है वो आपको दे सकते हैं, जो किस्म कपड़ा आपको पसंद हो। ये देखिए जी, ये मजलिस में यूज़ होता है साइडों में बैठने के लिए, रूम में बैठक में अपने जो है वो साइडों पे ये लगा के जो है इसमें बड़े आराम से जो है, ये कंफर्टेबल फोम है, बहुत ही बेहतरीन। तो अभी जो ये माल आया हुआ है ये यहाँ पे बाहर ही हमने उतार दिया, ये पूरा कंटेनर माल आया हुआ था अभी खाली कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम अंदर गोदाम में रख देते हैं। और पूरी वीडियो के देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसमें ये कलर वाइज जो है हर किस के जो है अपना गेज के मुताबिक ये कलर इसमें यूज़ किया गया, जिस तरह के 5 mm में ये येलो कलर इस्तेमाल किया गया, और 6 mm में पिंक कलर, और 8 mm में इसको ब्लू कलर में, और इसके अलावा 11 और 12 में ये मिक्स ग्रीन ब्लू 3 लेयर में ये इसको बनाया गया। तो अभी इसकी जो है गोदाम की तरफ इसको रख देते हैं, यहाँ पे इसके लिए हमने जगह बना दिया। तो ये इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा, ये जगह इसके लिए अभी खाली करवाया गया, और यहाँ पे इसको इंशाल्लाह यहाँ पे रख देंगे।